Hello, hello, hello. Good morning everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, good morning everyone. Good morning, Divya, Abhishek, Shankar, Akshata. Good morning, Subhi. गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया ऑल गुड सब प्रतिबद्ध डेडिकेटेड जून 24 के लिए बहुत अच्छे शाबाश चलो गुड मॉर्निंग नहीं ये न्यू सिलेबस के लिए है ओल्ड के लिए नहीं है नहीं आई न्यू के लिए है बट आई एम श्योर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन वॉइस स्लो है वॉइस को मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ हेलो 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 अब ठीक है हेलो गुड मॉर्निंग नाउ इट इज ऑडिबल परफेक्टली आई एम गुड आई एम गुड हाउ आर यू ऑल आई होप यू आर डूइंग ग्रेट वंडरफुल चलो तो श्री गणेश करते हैं देवियों सज्जन बॉयज एंड गर्ल्स मैं सबसे पहले कई सारे नए बच्चे तुम उनको अपना परिचय दे देता हूँ आई एम विशाल रामचंदानी एंड आई एम अ सी एफ ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट नाम तो सुना ही होगा आपने मेरा नहीं इस कोर्स का सी एफ ए राइट तो आ, मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा राइट चालीस नंबर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे नोट्स आपके पास हैं जो व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर आप एडेड हो तो उसमें वो नोट्स हैं उन नोट्स से हम पढ़ेंगे नोट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे नोट्स आपको ग्रुप में दिखेंगे वो नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए वही ही आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई देंगे नोट्स को जब आप कवर कर लेंगे तो आपको मॉड्यूल को कवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन नोट्स में हैं तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके राइट उन सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे जैसे कि मॉड्यूल में दिए हूँ जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा एक शेड्यूल आपके पास आया होगा कि हम कितने दिन में कौन सा चैप्टर करने वाले हैं किस चैप्टर को हम कितने दिन देने वाले हैं तो जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा उस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर की एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट आपको दी जाएगी उन प्रैक्टिस शीट में वो भी उस ग्रुप पर दी जाएगी उस प्रैक्टिस शीट में आपके एंसर्स भी होंगे क्वेश्चन के तो आप समय निकाल के प्रैक्टिस शीट भी कर सकते तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लेंगे वो तो नोट्स के अंदर ही हैं उसके अलावा चैप्टर के एंड होने पर एक प्रैक्टिस शीट दी जाएगी उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो ऐसा करके आपका चालीस नंबर का एफ एक महीने में परफेक्ट हो जाएगा राइट हमारा उद्देश्य यह है कि हम चालीस में से पैंतीस तो लेके आए तीस में तो लेके आए ठीक है चालीस में से है ना सौ में से नहीं चालीस में से ठीक अकाउंट्स का आप अलग करोगे एफएम हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कभी भी कि हमको एफएम में कितने आए बट आप जब पेपर दोगे तो एक कॉन्फिडेंस अलग आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आता है है ना उद्देश्य यह है कि जब चालीस नंबर का आप एफ का पोर्शन देखो तो आपको पूरा पेपर देख के अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरे को तो सारे क्वेश्चन आते हैं मैं ये भी कर सकता हूँ 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 ठीक है तो नोट्स <coughs> एक बार यहाँ पे भेज दो तो कमेंट uh, में uh, हाँ ये कमेंट में आपकी वो है व्हाट्सएप uh, लिंक है इस लिंक में आप जाओगे तो उसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे मैं फिर उसमें uh, उस ग्रुप में वापस नोट्स सेंड कर दूंगा डोंट वरी राइट और प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट अलग से मिलेगी वो भी ग्रुप में आएगी तो जिसने भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तुरंत ग्रुप ज्वाइन कर लो क्योंकि सारा मटेरियल उस ग्रुप में आने वाला है राइट चलिए तो देवियों सज्जनों बॉयज़ एंड गर्ल्स श्री गणेश करते हैं अच्छा क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डर लगता है नहीं लगता चलो अच्छी बात है कोई ऐसा जिसको डर लगता है नहीं हाँ आपको लगता है ठीक इतना डर लगता है सर कि बोलने में भी डर लग रहा है कि डर लगता है ना चलो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डरना नहीं एफ से डरना नहीं ठीक है तो एफ तो बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है देखो बस उद्देश्य हमारा टारगेट यही है कि आपका जो डर है एफ का वो खत्म हो जाएगा ठीक है एफ का डर कैलकुलेटर हैंडी होना चाहिए आपके पास सब कैलकुलेटर लेके आए कैलकुलेटर पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व हालांकि अब हमको प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा पहले एम ओल्ड सिलेबस में चलता था तो केवल हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते थे ठीक है चलिए तो देवियों सज्जनों हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे दस पंद्रह मिनट हम बेसिक को देंगे आपको ये तो पता है कि आपका जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफ एम नंबर का है ये सबको पता है ठीक है उसमें टोटल नौ चैप्टर्स हैं ये भी सबको पता है ठीक है और पहला चैप्टर तो थ्योरी का है और बाकी की जो आठ चैप्टर हैं वो भयानक प्रैक्टिकल वाले हैं ठीक है तो हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे आखिरी का एक दो दिन हम क्या करेंगे थेरी क्या क्या क्योंकि वो जब आप ये सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स कर लोगे तो उससे ही रिलेटेड थेरी उसमें दी है फर्स्ट चैप्टर में ठीक है चलिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करोगे सबसे पहले तो ठीक है मैनेजमेंट जो शब्द है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक शब्द यूज होता है मैनेजमेंट अच्छा मैनेजमेंट ऐसा शब्द है जो बहुत आवारा है आपको किसी के भी साथ ये मिल जाएगा घूमते हुए है ना मार्केटिंग के साथ जुड़ के मार्केटिंग मैनेजमेंट बन जाता है प्रोडक्शन के साथ जुड़ के प्रोडक्शन मैनेजमेंट बन जाता है ठीक है इसका कईयों के साथ नाम जुड़ा है ठीक है इतना नाम तो रणबीर कपूर का भी किसी के साथ नहीं जुड़ा था जिसका मैनेजमेंट का जुड़ा है ठीक अब फाइनेंस के साथ ये जुड़ के फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन जाता है मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है मैनेजमेंट मतलब टू मैनेज समथिंग जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं कैसे मैनेज करना पहले तो प्लानिंग करना हाउ मच फाइनेंशियल रिसोर्सेज वी वांट कितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमको जरूरी पड़ेंगी फिर तो उसको अरेंज करना वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी ठीक है फिर उसको डायरेक्ट करना जिस परपज़ज़ के लिए वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमने रेस की हैं उस पर्पज़ के लिए उसको खर्च करना और लास्ट में उसको कंट्रोल करना कि जितना हमने प्लान किया था उतना ही खर्चा हो रहा है कि नहीं एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू रन नीड्स मनी टू रन द ऑर्गेनाइजेशन पैसा फाइनेंस इज़ द बैक बोन बिना फाइनेंस के तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती तो उसको डे टू डे बेसिस पे प्लान करना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर okay, हम, हमको कितने फंड्स की ज़रूरत है ठीक है गुड मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कितने फ़ंड्स की ज़रूरत है वो फंड्स कहाँ से आएंगे ठीक है उन फंड्स को कहाँ कहाँ खर्च करना है और जितना हमने प्लान किया उतना खर्च हो रहा है कि नहीं तो प्लानिंग डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग स्टाफिंग हटा दिया क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव ठीक दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब सर हम तो कंपनी सेक्रेटरी हैं सर हम तो होने वाले सी हैं वी आर बडिंग लॉयर्स सर हम तो लॉ पढ़ते हैं तो हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है सर हमारा क्या ताल्लुक़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मन में ऐसा सवाल आता है कि नहीं आता आता है आना वाजिब भी है लाजमी भी है कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो कहीं से कहीं तक कोई तालमेल ही नहीं है लॉ के साथ तो क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करोगे और मीटिंग के मिनट्स वगैरह बनाओगे तो बोर्ड मीटिंग्स ये जब ये फाइनेंशियल डिसीजनस कौन लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेता है तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये फाइनेंशियल डिसीजन स्टडी कर रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड का एजेंडा है फाइनेंशियल डिसीजन स्टडी करना तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपके पास ये नॉलेज तो होना चाहिए वॉट आर फाइनेंशियल डिसीजन आपको पता तो होना चाहिए नहीं तो ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो सब आप पहली बार सुनोगे बोर्ड मीटिंग्स में तो आपको उनका मकसद फाइनेंशियल मैनेजर बनाना नहीं है आपको मकसद क्या है कि आपको इसका भी एक नॉलेज होना चाहिए यू मस्ट बी कन्वर्जेंट विद द फाइनेंशियल टर्म्स एंड ऑल दैट सो so दैट जब आप वो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करो तो आपको पता रहे कि मीटिंग में चल क्या रहा है क्या डिस्कस कर रहे हैं यू मे नॉट टेक एनी फाइनेंशियल आप कभी फाइनेंशियल मैनेजर हो सकता है ना बनो सी एस के रूप में काम करोगे तो यू ओन भी फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट आप आ, आ, जब ये मीटिंग्स वगैरह अटेंड करोगे और जब ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन लिए जाएंगे तो वो भी तो आप ये देखोगे कि वो डिसीजन में आप भी तो पार्टिसिपेट करोगे राइट तो इसलिए हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है ठीक है ये तो हो गया अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली क्या करना पड़ता है फाइनेंस मैनेजर को दो तीन बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की याद ये बेसिक है किसी को भी बोल दिया आपने जाके कि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है तो ये दो तीन सवाल पूछ लेगा उसको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो वो दो तीन सवाल पूछ लेगा सुप्रीम मैसेज हारने के लिए कि देखते हैं तुम्हें कितना फाइनेंस आता है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक फाइनेंशियल मैनेजर को कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं मेनली तीन ठीक है कौन कौन से बहुत बढ़िया पहला डिसीजन कौन सा होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन ठीक है पहला डिसीजन कौन सा होता है दोस्त इन्वेस्टिंग डिसीजन दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजन तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को तीन डिसीजन लेने पड़ते हैं पहला डिसीजन कौन सा होता है इन्वेस्टिंग दूसरा फाइनेंसिंग और तीसरा डिविडेंड इन्वेस्टिंग डिसीजन मतलब उसको डिसाइड करना पड़ता है कि जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कहाँ इन्वेस्ट करें ठीक है कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करें कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें क्यों इन्वेस्टमेंट इज सो एसेंशियल इन्वेस्टमेंट इतना जरूरी क्यों है देखो इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो इन्वेस्टमेंट से क्रिएट होते हैं एसेट्स क्या क्रिएट होते हैं एसेट्स और एसेट्स क्या करते हैं असेट्स ही एक ऑर्गेनाइजेशन को कमा के देते हैं असेट्स आर द रिसोर्सेस विच हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न प्रॉफिट इन द फ्यूचर आज हम असेट क्रिएट करेंगे तो कल हम क्या करेंगे उससे कमाएंगे आप लोग क्या कर रहे हो सी एस की डिग्री क्या है आपका असेट उसमें आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो सब के सब आज इन्वेस्ट कर रहे हो क्यों ताकि आजीवन वो आपको रिटर्न दे ये सब इन्वेस्टमेंट ही तो है भाई कौन ऐसा रामनवमी के दिन सुबह सवा आठ बजे ऐसा क्लास में आ जाता है यूट्यूब पे आ जाता है इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी का नहीं कर रहे हो आप तो समय का भी कर रहे हो क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपकी सबसे बड़ी रिसोर्स समय है मनी से ज़्यादा रिसोर्स और वैसे भी सी का कोर्स पैसे का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता टाइम और एफर्ट का ही मांगता है ठीक है टाइम और एफर्ट देना पड़ता है पैसा नहीं देना पड़ता ठीक है पैसा ऐसा देने के लिए दे तो कोई कॉलेज वॉलेज का कोर्स कर लो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चले जाए वहाँ खूब पैसा का इन्वेस्टमेंट लगता है बट ये मेहनत का इन्वेस्टमेंट है समय का इन्वेस्टमेंट है तो ये इन्वेस्टमेंट ही तो है निवेश ही तो है एफ एफ एस एम को कैसे रिवाइज करना चाहिए अभी अपन करेंगे डिस्कस <coughs> आप अभी क्लास अटेंड करो कैसे रिवाइज करना चाहिए अपन आप ये क्लासेस अटेंड करो और उसके बाद क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करते जाएंगे आप साथ में सॉल्व करते चलो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे चैप्टर के बाद मैं आपको आ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट दूंगा वो प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो बस हो जाएगा इतने में काफी राइट तो असेट क्रिएट करने के लिए डिसाइड करना हेलो 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 राइट तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जरूरी क्यों है क्योंकि सर इस, हम इससे क्रिएट करते हैं असेट और असेट ही हमको फ्यूचर में कमा के देंगे तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जरूरी एक बार ये डिसाइड कर दिया मैनेजर ने कि हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है कितना इन्वेस्ट करना है कैसे इन्वेस्ट करना है सेकंड क्वेश्चन अराइजेज फाइनेंसिंग डिसीजन भाई साहब ये डिसाइड तो कर लिया इन्वेस्टमेंट करना है पर वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा वेयर टू गेट मनी फ्रॉम अब इसमें अलग अलग सोर्सेज होते हैं आप डेट इशू कर सकते हो आप इक्विटी इशू कर सकते हो आप अपनी खुद की रिटेन अर्निंग यूज कर सकते हो इस पर कई सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से पैसा रेज किया जा सकता है राइट तो असेट क्रिएट करते हैं एक बार डिसाइड कर दिया कि कौन से असेट में इन्वेस्ट करना है कितना इन्वेस्ट करना है सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि पैसा कहाँ से आएगा हमने ये तो डिसाइड कर दिया अदानी ने सोच तो लिया अस्सी हज़ार करोड़ में अंबुजा सीमेंट खरीदेंगे भाई अस्सी हजार करोड़ कहाँ से आएगा मैंने भी सोचा था खरीदने का इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो मैंने भी ले लिया था कि अंबुजा सीमेंट बढ़िया कंपनी अस्सी करोड़ लगेंगे फिर जब फाइनेंसिंग डिसीजन पर गया तो फिर मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया अस्सी तो थे आगे करोड़ नहीं थे ठीक है तो इसलिए मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया फाइनेंसिंग डिसीजन वो पैसा कहाँ से आएगा ये दूसरा डिसीजन है ठीक अच्छा जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन लोगे अलग अलग सोर्सेस फंड्स के अवेलेबल होते हैं कहाँ से पैसा रेज करोगे कौन से सोर्स से पैसा रेज करोगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम है हर इसी की हर सोर्स की एक कॉस्ट होती है जब भी पैसा रेस करते हैं तो मुफ्त में नहीं आता पैसे की कॉस्ट लगती है कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट में फ्री में कोई पैसा नहीं देता सबकी कॉस्ट होती है तो हम उस सोर्स पे जाएंगे वहां से पैसा रेज करेंगे जिसकी कॉस्ट कम है राइट सर हम तो घर होम लोन लेने भी जाते हैं तो हम ये देख लेते हैं अलग अलग बैंक से कि कौन सबसे कम में दे रहा है हम उससे ही लेते हैं क्योंकि जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी हम वहां पर जाएंगे असेट वो खरीदेंगे जिसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा फाइनेंसिंग वहां से करवाएंगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी तो मैक्सिमम बेनिफिट वाले असेट लेंगे और मिनिमम कॉस्ट वाले सोर्सेज लेंगे ठीक है तीसरा डिसीजन एक फाइनेंस मैनेजर को लेना पड़ता है वो क्या है डिविडेंड डिसीज़न प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया पैसा कमा सोर्सेस पैसा लगा दिया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया उससे कमा लिया अब आखिरी डिसीजन लेना पड़ता है कि जो भी प्रॉफिट आया उसमें से कितना पैसा हम शेयर होल्डर को बांटें या कितना पैसा अपने पास रिटेन कर लें ठीक है ये होता है डिविडेंड डिसीज़न ये जो डिविडेंड डिसीज़न एक मैनेजर को लेना पड़ता है क्यों लेना पड़ता है क्योंकि भाई साहब कंपनी तो मालिकों की है शेयर होल्डर की हम तो मैनेजर हैं हम तो शेयर होल्डर के लिए काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट जितना भी कमाया ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉफिट किसका वो सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर का तो उसका वो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को मिलना चाहिए तो कितना हम शेयर होल्डर को बांटें कितना हम अपने पास रख लें यह डिसीजन लेना पड़ता है मैनेजर को अपने पास क्यों रखेंगे क्योंकि कंपनी चलाने के लिए उस पैसे की जरूरत पड़ेगी आगे शेयर होल्डर को क्यों बांट देंगे क्योंकि अगर हमको ज़रूरत नहीं है तो शेयर होल्डर को बांट दो कंपनी तभी पैसा अपने पास रखती है जब कंपनी को लगता है फ्यूचर में पैसा काम आएगा और अगर जब उसको लगता है कि फ्यूचर में पैसा काम नहीं आएगा तो फिर वो कंपनी क्या करती है शेयर होल्डर को बांट देती है और ऐसा ही करना भी चाहिए तो डिविडेंड डिसीज़न इस तरह से कंपनी डिविडेंड बांटे सो दैट कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइज हो राइट right? ये तीनों डिसीजन क्लियर है इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन चलो एक चीज और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये दो बेसिक चीजें हैं जो हम पहले पढ़ लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चलो बताओ फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना या वेल्थ को मैक्सिमाइज करना वेल्थ well, पहले तो दोनों में डिफरेंस बताओ क्या डिफरेंस होता है प्रॉफिट और वेल्थ में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ठीक है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो पी एन एल से दिखता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फर्म की वैल्यू से दिखता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ठीक है और कोई डिफरेंस प्रॉफिट और वेल्थ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छा आपको नहीं लगता कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा ऐसा प्रॉफिट नहीं मैक्सिमाइज करोगे तो वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी वेल्थ इज अ वाइडर टर्म एंड प्रॉफिट इज अ अरवर टर्म वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म कंसेप्ट प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म कंसेप्ट प्रॉफिट तो आप शॉर्ट टर्म में भी बढ़ा सकते हो क्या है गलत सेल्स रिपोर्ट कर दो थोड़ा एक्सपेंसेस कम कर दो ये प्रॉफिट बढ़ गया पर जब ऑडिट में ये सब चीज़ें खुलेंगी तो क्या होगा कंपनी की वैल्यू गिरने लग जाएगी ठीक है तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको लंबा समय लगता है रिलायंस इज क्रिएट वेल्थ फॉर इट्स शेयर होल्डर्स कितना पीढ़ी निकल गई है ठीक है चालीस पैंतालीस साल हो गए तब जाके वेल्थ क्रिएट की ठीक है एक जैसा बिजनेस करते रहे करते रहे करते रहे तो so प्रॉफिट एक शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए तो आप शॉर्ट टर्म हथकंडे अपना सकते हो क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाना है ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पता है क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसे मान लो मैंने कोई क्लास टेस्ट रख लिया और बच्चा चीटिंग विटिंग करके इधर से उधर से पूछ के मॉड्यूल खोल के और उसने अच्छे मार्क्स लिया ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म कंसेप्ट आज क्लास में टॉप कर दिया आपने ठीक है 40-50 बच्चों के बीच में टेस्ट हुआ टॉप कर दिया ताली बज गई आपके लिए सर इंप्रेस हो गए बट वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा सी एस की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म कंसेप्ट ठीक है वो लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा राइट right? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बन नहीं जाना प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ता है बट शॉर्ट टर्म तरीके से शॉर्ट टर्म हथकंडे अपना के प्रॉफिट मत बढ़ाओ ऐसे प्रॉफिट बढ़ाओ जो कि सस्टेनेबल हो जो कि एथिकल हो ठीक है प्रॉफिट को इस तरह से मैक्सिमाइज करो ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस करो आप शायद वो एथिकल स्टैंड एथिक्स वगैरह एथिक्स पढ़ोगे नहीं तो आप प्रोफेशनल में जाके तो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए प्रॉफिट बढ़ाओ सो दैट लॉन्ग टर्म में आप लॉन्ग रन में आपकी वेल्थ भी बढ़े ठीक है प्रॉफिट शॉर्ट टर्म है और वेल्थ लॉन्ग टर्म है बिल्कुल आशू बिल्कुल सही बोल हो प्रॉफिट इज शॉर्ट टर्म कंसेप्ट वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म कंसेप्ट ठीक है तो ये दो बातें बेसिक आपको याद रखनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तीनों डिसीजन कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं और फाइनेंशियल मैनेजर का मकसद क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अब वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है टू तो मैक्सिमाइज वेल्थ आपको क्या करना पड़ता है वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी जब फॉर्म की वैल्यू बढ़ेगी है ना वैल्यू ऑफ फॉर्म इज मैक्सीमाइज वैल्यू ऑफ फॉर्म इज मैक्सिमाइज्ड फॉर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी अब फॉर्म की वैल्यू कैसे बढ़ेगी जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो ऑल द डिसजन टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर हैव सिंगल ऑब्जेक्टिव कि हम फॉर्म की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं वंस द वैल्यू ऑफ द फॉर्म इंक्रीजेज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर इंक्रीजेस फॉर्म की वैल्यू कैसे बढ़ेगी ठीक है हाउ कैन वी मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फॉर्म डन 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 चलो ठीक है नाउ आपने शेड्यूल में देखा होगा द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें चैप्टर ट्वेल्व है जो आपके मॉड्यूल में नंबर दिए हुए वही नंबर आपको यहाँ पे देखेंगे तो चैप्टर नंबर ट्वेल्व मॉड्यूल में है तो चैप्टर नंबर ट्वेल्व हम यहाँ पे स्टार्ट कर करते हैं राइट टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी चलो क्या होता है भाई साहब टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेम टेम की बात है सर टेम टेम की बात है पैसे की वैल्यू चेंज होती रहती है पैसे की वैल्यू सेम नहीं होती अक्रॉस टाइम ठीक है चलिए तो मुझे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी से पहले आपने ये तो देखा होगा सुना होगा कि मार्केट में जब भी लैंडिंग बोरिंग होती है जब भी पैसे का लेन देन होता है तो एक रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मार्केट में चलता है ठीक है ऑर्गेनाइज मार्केट में भी चलता है बैंक से भी लोन लेने जाओगे तो एक रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बैंक लेगी आपसे कंपनीज डिबेंचर इशू करेंगे तो एक रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कंपनीज़ को देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं रिश्तेदार दोस्तों दोस्तों से भी पैसा लेने जाओगे तो वो भी ब्याज लेंगे तो और ज़्यादा ही ले लेंगे मैं अगर आपसे पैसा उधार ले, ले लूँ तो आप मुझसे ब्याज लोगे बिल्कुल लोगे अभी आप भले ऐसे बोल दो ठीक है करसी में किसान नहीं लेंगे बट जब सही में आप सी बन जाओगे आपकी सैलरी आने लग जाएगी मैंने आपसे पैसा उधार मांगा तो ब्याज भाई घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या ठीक है सर हम कमाएंगे क्या हम भी तो मेहनत करके कमा रहे हैं तो भाई ब्याज तो लेना बनता है राइट अब मुझे एक बात बताओ ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी मार्केट में चलता है मैंने शिवांश से पूछा शिवांश मैं तुमसे पैसा उधार लूंगा तो तुम मुझसे ब्याज लोगे शिवांश ने बोला सर बिल्कुल लेंगे सर ब्याज क्यों नहीं लेंगे मैंने उससे पूछा कितना लोगे तो शिवांश जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगा वो कैसे डिसाइड करेगा मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है सबसे पहले शिवांश बोलेगा सर क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ ध्यान से सुनना सर क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ तो मैं अपने करंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ पता है जो लेंडर होते हैं दो पार्टीज होती हैं जब भी लेन देन होता है एक कौन होता है लेंडर और दूसरा कौन होता है बॉरोवर आपको पता है लेंडर क्या करता है लेंडर पैसे को करंट से फ्यूचर में लेके जाता है ठीक है इसके पास पैसा ही है इसको आज यूज़ कर सकता था पर ये यूज़ नहीं करता ये पैसा किसी और को दे देता है ठीक है इसने मुझे एक साल के लिए पैसा उधार दे दिया क्योंकि इसने मुझे एक साल के लिए पैसा उधार दे दिया ध्यान से सुनना तो अब ये पैसा कब यूज़ कर पाएगा फ्यूचर में आज तो नहीं कर पाएगा आज इसने पैसा मुझे दे दिया तो ये पैसे को प्रेजेंट से फ्यूचर में मूव करते हैं ऐसा बोला जाता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में कि लैंडर्स या सेवर्स जो होते हैं जो सेव करते हैं वो पैसे को करंट से फ्यूचर में मूव करते हैं सेव करने वाले लैंड करने वाले ये काम करते बचपन में कभी पिगी बैंक बनाया हाँ तो आज पापा ने दस का नोट दिया आप आज जाके उससे टॉफी खरीद लेते तो आपने क्या किया आपने उसको पिगी बैंक में डाल दिया ठीक वैसे आपने खूब सारे पैसे जो आज, आज आप खर्च कर सकते थे पिगी बैंक में डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए छः महीने बाद साल भर बाद पिगी बैंक में खूब सारा पैसा आया क्या किया फिर आपने उस पैसे को पापा ने ले तो नहीं आया वापस कई बार पापा वापस ले लेते हैं है ना वो अपने जीवन का सबसे बड़ा घोटाला होता है पहला घोटाला जो हम बचपन में देख देते हैं कि यार हमने पैसा जमा किया और फिर जब इतना पैसा हो गया तो पापा नहीं ले लिया राइट तो अगर वो आपको दे दिया कि जाओ बेटा आप खर्च कर लो चलो शॉपिंग पे चलते हैं तो आपने क्या किया आपने सेविंग की करंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करके आपने उसको फ्यूचर में सेक्रीफाइस कंज्यूम किया ठीक है तो शिवांश क्योंकि मुझे पैसा देगा तो पैसे को मूव करेगा प्रेजेंट से फ्यूचर में शिवांश ने बोला सर क्योंकि मैं अपने करंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ बलिदान कर रहा हूँ आपके लिए क्योंकि मैं अपना पैसा आपको दे रहा हूँ आप कंज्यूम करो मुझे एक साल बाद देना तो उसका कुछ चार्ज लगेगा मैंने कहा कितना चार्ज लगेगा बोले सर पाँच परसेंट पाँच परसेंट मैं लूँगा क्योंकि मैं अपने करंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करूँगा सेक्रीफाइस पर पाँच परसेंट मैंने कहा ठीक है भाई शिवान सेक्रीफाइस कर रहा है तो सही बात है मेरे मेरे लिए सेक्रीफाइस करा है तो ले लेना पाँच परसेंट मैंने कहा तो पाँच परसेंट पर फाइनल करें बोले नहीं सर पाँच परसेंट नहीं जब आप एक साल बाद मुझे पैसा वापस दोगे तो इन्फ्लेशन नाम की भी तो एक चिड़िया होती है ना इकोनॉमी में तो महंगाई और हम तो हिंदुस्तानी लोग हैं हम तो महंगाई से परेशान ही रहते हैं हमेशा ठीक है सैंतालीस से लेकर आज तक हम महंगाई से ही परेशान हैं ठीक है तो महंगाई भी तो है ना सर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मनी की परचेसिंग पावर को कम करता है मनी की वैल्यू को कम करता है तो सर एक कंपोनेंट और है इन्फ्लेशन क्योंकि आज अगर मान लें आपको एक लाख रुपये दिया एक साल बाद जब आप एक लाख में जब वापस करोगे तो उस एक लाख रुपए की परचेसिंग पावर कम हो चुकी होगी उसकी क्रय शक्ति कम हो चुकी होगी उसकी खरीदने की क्षमता कम हो चुकी होगी क्यों इन्फ्लेशन के कारण इन्फ्लेशन के कारण वस्तु महंगी होती है और मनी की परचेसिंग पावर कम होती है तो बोले सर उसका भी पैसा लगेगा मैंने कहा भाई उसका कितना लगेगा बोले सर मुझे लगता है कि इकोनॉमी में ऑन एन एवरेज छः परसेंट इन्फ्लेशन होगा तो छः परसेंट उसका भी लगेगा क्योंकि इन्फ्लेशन छः परसेंट है मनी की वैल्यू परचेसिंग पावर छः परसेंट से कम हो रही है वस्तुएं छः परसेंट से महंगी हो रही हैं तो छः परसेंट आप भी मुझे दे दो तो ये इन्फ्लेशन प्रीमियम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम जितना इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करता है एक इन्वेस्टर एक लेंडर उतना प्रीमियम वो ले लेता है ये छः परसेंट इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहा है इसने छः परसेंट प्रीमियम ले लिया बोलो भाई समझ में आया आगे अब मैंने बोला ठीक है भैया पाँच और छः ग्यारह ग्यारह पे डन करते हैं ग्यारह पे ख़त्म बोले नहीं सर आई एम नॉट डन यट ठीक बोले सर मैं आपको पैसा दे रहा हूं अब क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो सर रिस्क है आज आप हो पढ़ाने आ रहे हो मुझसे पैसा लिया कल से आप आना ही बंद कर दो तो। ठीक है डिफ़ॉल्ट जब हम किसी को पैसा देते हैं तो लेंडर के ले लिए हमेशा एक रिस्क होती है वो कौन सी रिस्क होती है डिफॉल्ट रिस्क भाई डिफ़ॉल्ट भी तो हो सकता है तो बोले सर वो डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है उसका भी मैं आपसे तीन परसेंट कम्पनसेशन लूँगा इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम सर आप डिफ़ॉल्ट भी तो कर सकते हो ना सर वॉट इफ़ आप मेरा पैसा लेके भाग गए ठीक है अब ये डिफ़ॉल्ट डिस्ट प्रीमियम बहुत काम की चीज़ है देखो आप अलग अलग पार्टीज़ को जब लोन देते हो तो आप अलग अलग रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जहाँ आपको ज़्यादा रिस्क लगता है वहाँ आप रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बढ़ा देते हो जहाँ आपको कम रिस्क लगता है वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हो क्यों ये सब डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम ठीक मुकेश भाई अम्बानी आपसे पैसा मांगेंगे आप सस्ते में दे दोगे बट अनिल भाई अम्बानी मांगेंगे तो आप ब्याज दर बढ़ा दोगे क्यों रिस्क ज़्यादा है तो ये डिफ़ॉल्ट्रेस प्रीमियम इस तरह तीन परसेंट मांगा तो ये पाँच और छः ग्यारह और तीन चौदह चौदह परसेंट हो गया चौदह परसेंट मिला भैया डन करें ठीक है डन करें इसने वाला सर एक और चीज़ है मैंने आप क्या है इसने वाला सर लिक्विडिटी प्रीमियम मार्केट में एक ये बहुत कम लगता है लिक्विडिटी प्रीमियम लिक्विडिटी प्रीमियम क्या होता है बोले सर आपको पैसा उधार दिया ठीक है तो पैसा एक साल के लिए ब्लॉक हो गया इस ट्रांजेक्शन में देर इज़ नो लिक्विडिटी लिक्विडिटी इन द सेंस मेरे को तीन महीने बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी तो नहीं मिलेगा मेरे को तो एक साल बाद ही पैसा मिलेगा ठीक है तो देर इज़ नो लिक्विडिटी इन दिस ट्रांजेक्शन तो दो परसेंट मैं उसका भी चार्ज करूंगा सर तो मैंने कहा ठीक है भैया लिक्विडिटी प्रीमियम अब ये लिक्विडिटी प्रीमियम वहाँ नहीं होगा जैसे कोई कंपनी ने डिवेंचर इशू किया तो कंपनी ने डिवेंचर इशू किया तो आप पैसे को तो सेक्रीफाइस कर रहे हो आप उसका कम्पनसेशन मांगोगे इन्फ्लेशन तो तब भी लग रहा है आप उसका कम्पनसेशन मांगोगे डिफॉल्ट तो कंपनी भी कर सकती है आप उसका भी कंपनसेशन मांगोगे पर अगर कंपनी डिवेंचर इशू करके उसको मार्केट पे लिस्ट करा देगी तो मार्केट पे लिस्ट करा देगी तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी क्योंकि आपको एक महीने बाद पैसे की जरूरत है दो महीने बाद पैसे की जरूरत है और डिवेंचर को मार्केट में बेचो आपका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा बिकॉज दोज डिवेंचरस आर लिक्विड ठीक है बट अगर मान लो कोई कंपनी ऐसी है जो डिवेंचर इशू कर रही है पैसा उधार ले रही है बट उसको मार्केट में लिस्ट नहीं कराएगी तो अगर उसको मार्केट में लिस्ट नहीं कराएगी तो फिर आप लिक्विडिटी प्रीमियम मांगोगे भैया लिक्विडिटी प्रीमियम चाहिए क्योंकि इन लिक्विडिटी ये तो इलिक्विड इन्वेस्टमेंट हो गया ठीक है तो जहां इन्वेस्टमेंट इलिक्विड हो गया वहां पे आपको क्या चाहिए प्रीमियम चाहिए लिक्विडिटी प्रीमियम तो इसमें दो पर ये भी इन लिक्विड है बस को दो तीन महीने बाद पैस को तो एक साल बाद ही मिलेगा एग्रीमेंट एक साल का हुआ तो वैसा एक साल बाद ही मिलेगा बीच में नहीं मिलेगा बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो किसी और से उधार लेना मुझसे तो नहीं मिलेगा तो कितना इन लिक्विड इन्वेस्टमेंट है लिक्विडिटी होती है कैश में कन्वर्टेबिलिटी कि कोई भी हमारा इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कहाँ हो रहा है कैश में कन्वर्ट जब इसका मन किया कैश में कन्वर्ट करने का तो क्या हुआ नहीं हुआ लिक्विडिटी प्रीमियम सोना खरीदते हो उसमें लिक्विडिटी प्रीमियम नहीं होता कैश में कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी खरीदते हो डिचर खरीदते हो जो मार्केट में लिस्ट होते हैं कोई लिक्विडिटी प्रीमियम नहीं मिलता बिकॉज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश प्रेटी क्विकली जब मन करे कैश में कन्वर्ट कर दो राइट लिक्विडिटी प्रीमियम अगर इन लिक्विडिटी होगी तो लिक्विडिटी प्रीमियम होगा इन सबको मिला के पांचों से ग्यारह तीन चौदह दो सोलह सोलह परसेंट इस तरह से ब्याज डिसाइड होता है बोलो बात समझ में आई दिस इज हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइड इन द मार्केट और जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं या फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो हमको एक डिस्काउंटिंग रेट की जरूरत होती है ठीक है वो डिस्काउंटिंग रेट बेसिकली क्या होता है कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है या इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो ऐसे ही डिराइव होता है ठीक है वो ऐसे ही डिराइव होता है ये सारे कंपोनेंट होते हैं इसको बोलो ये बात समझ में आई एनी कन्फ्यूजन कोई दुविधा है इसमें नहीं चलो तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट मतलब इसमें रिस्क फ्री है तो इसमें कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है ठीक है और इसमें कोई इन्फ्लेशन भी नहीं है क्योंकि ये रियल है ये वो पाँच परसेंट जो इसने मांगा था क्योंकि अपने करंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर रहा था सेकेंड आया इन्फ्लेशन प्रीमियम इसने छः परसेंट इन्फ्लेशन प्रीमियम जोड़ दिया था ठीक है फिर तीसरा आया डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम इसने तीन परसेंट डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम जोड़ दिया था फिर चौथा आया लिक्विडिटी प्रीमियम इसने दो परसेंट लिक्विडिटी प्रीमियम जोड़ दिया था पांचवा आता मैच्योरिटी प्रीमियम मैच्योरिटी प्रीमियम मतलब जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आप मांगोगे जितने कम समय के लिए करोगे उतना कम इंटरेस्ट आप मांगोगे आपको पता है ये बैंक में भी चलता है बैंक में एफडी कराने जाते हो पंद्रह दिन के एफडी का ब्याज कम होता है पाँच साल की एफडी का ब्याज ज़्यादा होता है पंद्रह दिन की भी एफडी होती है क्यों मैच्योरिटी इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा ना तो जितने लंबे समय के लिए पैसा दोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आप मांगोगे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम होते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा होता है ठीक है उसको बोलते हैं मैच्योरिटी प्रीमियम यहाँ क्योंकि एक साल के लिए किया था हमने एक्जाम्पल लिया था तो मैच्योरिटी प्रीमियम नहीं था लंबे समय के लिए करता तो ये उसमें ब्याज बढ़ा देता है इतने समय के लिए दूंगा तो ब्याज ज़्यादा कम समय के लिए दूंगा तो ब्याज कम ठीक है राइट right? चलिए भाई तो कभी भी आप कभी भी मार्केट में देखना ऐसे ही चलता है शॉर्ट टर्म के लिए लैंडिंग बॉन्डिंग बॉनिंग करते तो उसका इंटरेस्ट कम होता है लॉन्ग टर्म के लिए करते तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है डिफरेंस किसका होता है डिफरेंस इसका होता है ठीक है तो आप कभी भी इंटरेस्ट रेट मार्केट में देखो क्या चल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंटरेस्ट रेट इतना लिया जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं ठीक है चलिए देवी अस जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं ये तो इंटरेस्टेड हो गया इट इज डिसाइडेड अब बचपन में आपने पढ़ा होगा दो टाइप के इंटरेस्ट चलते हैं एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है सिंपल इंटरेस्ट तो एज द नेम सजेस्ट जैसा कि उसका नाम है बड़ा ही सरल है बड़ा ही सिंपल इस पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया बस एक एक्जाम्पल मॉड्यूल में दिया है कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से पैसा कैलकुलेट होता है सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो बड़ा ही सिंपल होता है इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है दो तीन बातें इसमें ध्यान रखते हैं इसमें इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पे, ठीक है हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पे तो हर साल का जो इंटरेस्ट कैसा होता है सेम इंटरेस्ट एवरी ईयर इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे नहीं लगता है इस पर कोई क्वेश्चन आएगा ऐसे सिंपल इंटरेस्ट पर बट एक एग्जांपल दिया है एक टेबल बना के दिया मॉड्यूल में सिंपल इंटरेस्ट पे कैसे कैलकुलेट होता है कंपाउंड पे तो हमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट सेम इंटरेस्ट एवरी ईयर आपने एक लाख रुपये इन्वेस्ट किया और दस सिंपल इंटरेस्ट है तो एक लाख का दस कितना होता है दस तो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा दस दूसरे साल कितना मिलेगा दस हज़ार क्योंकि दूसरे साल भी ये दस परसेंट किस पर पे कैलकुलेट होगा एक लाख पे तीसरा साल कितना मिलेगा दस हजार क्योंकि तीसरे साल भी ये दस परसेंट किस पे पर कैलकुलेट होगा एक लाख पे तो ये सिंपल इंटरेस्ट है तो अगर दस परसेंट आपका एनुअल इंटरेस्ट है आपने तीन साल के लिए इन्वेस्ट किया तो पहले साल दस दूसरे साल दस तीसरे साल दस तो तीनों साल में आकर कितना हो गया तीस परसेंट आप सीधे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि तीस परसेंट सिंपल इंटरेस्ट सातवीं कक्षा में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत बढ़िया फॉमूला पी आर टी अपॉन हंड्रेड पी इं टू आर इन टू टी अपॉन हंड्रेड ये अपॉन हंड्रेड क्यों किया क्योंकि ये आर जो है वो रेट है परसेंट में तो दिस अपॉन दिस टी क्या है टाइम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और ये क्या है प्रिंसिपल इससे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा अमाउंट अगर निकालना है अमाउंट अमाउंट क्या होता है अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा ठीक है सर व्हाट इज द लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट देखो लिक्विडिटी होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया वो इन्वेस्टमेंट कितना लिक्विड है लिक्विड मतलब वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है कैश में कन्वर्टेबिलिटी कितनी है जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा उतना ज़्यादा लिक्विड है ठीक है जब कैश में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो लिक्विड नहीं है इ लिक्विड है ठीक है कैश में कन्वर्टेबिलिटी चलो डन तो ये सिंपल इंटरेस्ट दिस इज हाउ सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सीधे आगे आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट भाई साहब कैसे कैलकुलेट होता है अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट बड़े काम की चीज है क्यों क्योंकि हम जो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करने वाले हैं हम जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करने वाले हैं पूरा का पूरा किस पे बेस्ड होता है कंपाउंडिंग पे ठीक है नाउ व्हाट इज कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग मतलब हाँ कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है ब्याज पे भी ब्याज मिलता है ब्याज पे भी ब्याज मिलता है ब्याज पे भी ब्याज मिलता है तो उसकी कंपाउंडिंग होती जाती है राइट ब्याज पे भी ब्याज मिलता है चक्रवर्ती ब्याज इसको हिंदी में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पे भी ब्याज तो अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया सपोज़ एक लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया दस आपको ब्याज मिल रहा है तो एक लाख का दस कितना हो जाएगा दस ये आपका पहले साल का ब्याज है अब ये दस हज़ार इसमें जाके जुड़ जाएगा और अगले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा एक लाख दस हज़ार अब अगले साल ब्याज किस पे मिलेगा एक लाख दस हजार रुपये तो अगले साल का ब्याज कितना हो जाएगा ग्यारह हजार ये ग्यारह फिर एक दस में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा एक इक्कीस एक तो एक इक्कीस पे अब अगले साल का ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा ग्यारह एक सौ हर साल का इंटरेस्ट क्या है अलग है सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट क्या था सेम था यहाँ पे हर साल का इंटरेस्ट क्या है अलग है ठीक है राइट यहाँ पे अमाउंट अगर आपको निकालना है अमाउंट तो अमाउंट कैसे निकलता है अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल ठीक है वेरी गुड प्रिंसिपल इंटू वन प्लस रेट जिस भी रेट पे आपने इन्वेस्ट किया है टू द पावर एन ठीक है बारह एक सौ बिल्कुल 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 ठीक है तो ये सब क्या है प्रिंसिपल इंटू वन प्लस रेट टू द पावर एन सर पावर क्यों चढ़ाते हैं एन पावर क्यों चढ़ाया क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिल रहा है तो उसकी कंपाउंडिंग हो रही है कंपाउंडिंग हो रही है तो कंपाउंडिंग इफेक्ट देने के लिए हम पावर में एन चढ़ाते हैं जितने समय के लिए हमने इन्वेस्ट किया ये जो रेट यहाँ पे लिखेंगे रेट कैसे लिखेंगे ये रेट हम डेसिमल में लिखेंगे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रिंसिपल इन टू वन प्लस आर बाय हंड्रेड टू द पावर एन ठीक है दिस इज हाउ यू कैलकुलेट अमाउंट ऐसे करके आपको अमाउंट इसमें मिलता है ठीक पक्का कोई समस्या इसमें कोई कठिनाई तो ये क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल अब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम पढ़ते हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा का पूरा बेस्ड है किस पे कंपाउंडिंग पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे ठीक है अब कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत बेसिक फंडा होता है बहुत बेसिक अजम्प्शन होता है जिसपे पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है चलो बताओ कौन बताएगा वो अजम्पन व्हाट इज द मोस्ट बेसिक अजम्पन ऑफ कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग या व्हाट इज द मोस्ट बेसिक अजम्पन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी याद करो पढ़ा तो है अंदर कहीं दबा हुआ है नहीं नहीं नहीं, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आजमशी ने जो कंपाउंडिंग होती है कंपाउंडिंग क्यों हो पाती है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कंपाउंडिंग की वो क्या है याद करो कंपाउंडिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट आई वगैरह कैलकुलेट किया था अपन ने तो अपन ने वो पढ़ा था बेसिक रिक्वायरमेंट कंपाउंडिंग की एनी बेसिक कंपाउंडिंग क्यों हो पाएगी कैसे होगी कंपाउंडिंग यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे भी चलता है एजम्पन देखो मैं बताता हूँ जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हो या कंपाउंडिंग करते हो तो वो एक बेसिक एजम्पन पे बेस्ड है री इन्वेस्टमेंट किस पे री इन्वेस्टमेंट आप देखो कंपाउंडिंग क्यों हो रही है चलो सब बोलो री इन्वेस्टमेंट ठीक है कैसे हो रही है कंपाउंडिंग ये जो दस हजार का ब्याज आपने कमाया इस दस हजार के ब्याज को आपने री इन्वेस्ट कर दिया आप ये दस हजार का ब्याज लेके घर चले जाते हैं। फिर इस पर ब्याज थोड़ी मिलता आपने एक लाख रुपए इन्वेस्ट किया उस एक लाख पे दस हजार का ब्याज मिला तो दस हजार के ब्याज को आपने री इन्वेस्ट कर दिया तो इसलिए अब अगले साल आपको एक लाख दस हजार रुपये ब्याज मिल रहा है एक लाख दस हजार रुपये आपको ब्याज मिला कितना ग्यारह हजार आपने इसको री इन्वेस्ट कर दिया एक लाख दस हजार में ग्यारह हजार जोड़ दिए बोला अब इस पर ब्याज चाहिए अरे भैया इस ब्याज पे ब्याज इसलिए मिल रहा है क्योंकि उस ब्याज को आप री इन्वेस्ट कर रहे हो ठीक है बोलो बात समझ में आई री इन्वेस्टमेंट ठीक है ब्याज पे ब्याज डन डना डन डन ठीक है तो ये भूलना मत री इन्वेस्टमेंट इट इज़ बेस्ड ऑन जब भी आप इसी पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही तो ये सब बेस्ड है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंपाउंडिंग ही तो होती है तो जब भी आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हो वो इसी एजम्पन पे बेस्ड है कि वॉट एवर इंटरेस्ट और वॉट एवर कैश लो और वॉट एवर बेनिफिट आर रिसीविंग आप उसको क्या कर रहे हो री इन्वेस्ट कर रहे हो री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट कभी नहीं भूलना ठीक है फाइनेंस पढ़ रहे हो और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट कर रहे हो तो कभी नहीं भूलना कि री इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैश लो ठीक है पक्का मंजूर चलिए आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी चलो भैया टेम टेम की बात है मनी की वैल्यू एक जैसी नहीं होती मनी की वैल्यू चेंज होती है अगर मैंने आपको आज मैंने आपसे आज दस हज़ार रुपये उधार लिए और मैंने बोला कि मैं आपको एक साल बाद दस हज़ार रुपये लौटाऊँगा तो बोलो आपको फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है नुकसान क्यों क्योंकि दस की वैल्यू एक साल बाद दस जैसी नहीं रहेगी ठीक है क्यों नहीं होगी क्योंकि वही इन्फ्लेशन वगैरह जुड़ जाएगा आप अपने करंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर रहे हो ठीक है तो आप क्या करोगे आप बोलोगे कि सर नहीं सर क्योंकि दस हज़ार रुपये मैं आपको दे रहा हूँ आज ये प्रेजेंट वैल्यू है तो मुझे क्या चाहिए मुझे इसका फ्यूचर में थोड़ा बढ़ के मिलना चाहिए और आप इसमें कुछ ऐड कर दोगे आप इसमें एक इंटरेस्ट ऐड कर दोगे जो इंटरेस्ट आप कमाना जो हमने ऊपर देखा जैसे कैलकुलेशन सोलह परसेंट निकाला था वो सारे फैक्टर्स मिला के आप एक इंटरेस्ट जोड़ दोगे बोले सर ये सब इंटरेस्ट मिला के आप मुझे क्या करना एक साल बाद पंद्रह दस हज़ार है ना तो दस हज़ार का दस परसेंट ग्यारह हज़ार दे देना सर ठीक है तो ग्यारह हज़ार दे देना ये जो दस हज़ार है जो आप आज मुझे दे रहे हो ये क्या है ये प्रेजेंट वैल्यू है ठीक है और आप फ्यूचर में मुझसे जो ग्यारह हज़ार लोगे ये क्या है ये फ्यूचर वैल्यू है क्योंकि आप दस हज़ार का ग्यारह हज़ार दे रहे हो ठीक है मतलब ये जो दस हज़ार की फ्यूचर वैल्यू रहेगी दस परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितनी हो जाएगी ग्यारह हज़ार हो जाएगी ठीक है दिस इज द फ्यूचर वैल्यू क्यों क्योंकि जो दस हज़ार है ये दस परसेंट के रेट से इंक्रीज होगा ठीक है इसमें दस परसेंट का रेट जुड़ते जाएगा दो साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बारह एक सौ तीन साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी ठीक है तेरह तीन सौ तो ऐसे करके इसमें कंपाउंडिंग होती जाएगी और इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी ठीक है इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी मनी हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम ठीक है मनी हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम हाफ आ रही है स्क्रीन मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ ठीक है चलो राइट right? आज जो पैसा मिलता है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है उस पैसे से जो बाद में मिलेगा अगर आपको मैं ऑप्शन दूँ कि भैया आज दस हज़ार रुपये चाहिए या एक साल बाद दस हज़ार रुपये चाहिए तो आप क्या बोलोगे आज ही दे दो सर अगर एक साल बाद दोगे फिर दस मत दो एक साल बाद कितना दे दो ग्यारह दे दो क्योंकि एक साल बाद दे रहे हो तो उसकी वैल्यू एक साल बाद वाले दस हज़ार की वैल्यू कम है बराबर करने के लिए आप उसको थोड़ा बढ़ा दो ठीक है तो उसको ग्यारह हज़ार कर दो तो ये फ्यूचर वैल्यू है फ्यूचर में लोगे तो ग्यारह लोगे अभी लोगे तो आप दस ले लोगे तो आज का दस हज़ार इज इक्वल टू फ्यूचर का ग्यारह हज़ार ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये फ्यूचर वैल्यू है ठीक है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम यही देखते हैं कि अक्रॉस टाइम कितना हमको मनी की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा सो so दैट वो बराबर रहे कि आज का दस हज़ार इज इक्वल टू फ्यूचर का ग्यारह हज़ार बोलो बात समझ में आई दिस इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमको अक्रॉस टाइम क्या करना पड़ता है मनी के अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ता है वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है तो इसमें हम फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है तो उससे हम क्या करते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू तो उससे हम क्या करते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऑफ करंट सम आज जो आपके पास पैसा है उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करोगे वेन एवर यू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू आपको दी रहेगी आपको उससे क्या करना है फ्यूचर वैल्यू निकालनी है जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालते हो तो कंपाउंडिंग करते हो कि डिस्काउंटिंग करते हो कंपाउंडिंग करते हो जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालते हो तो आप प्रेजेंट से कहाँ जा रहे हो फ्यूचर में जा रहे हो तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कंपाउंडिंग कर रहे हो कि डिस्काउंटिंग कर रहे हो कंपाउंडिंग कर रहे हो ठीक है अब फ्यूचर वैल्यू सिंगल सम का भी निकाल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू एनिटी का भी निकाल सकते हैं एनयूटी ऑर्डिनरी भी होती है एनयूटी ड्यू भी होती है एनयूटी के कंसेप्ट को अभी अपन विराम देते हैं बाद में समझेंगे पहले अपन आते हैं सिंगल सम पे सिंगल सम पे नहीं बट दोस्तों आज नहीं होगा सिंकिंग फंड वाला फंडा वो कल आएगा ठीक है चलो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम सिंगल सम का सिंगल सम मतलब एक सिंगल वैल्यू ठीक अ सिंगल अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड टुडे फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम का सिंपल सबसे फंडा सबसे सिंपल एप्लीकेशन उसकी रहती है एफडी बैंक में एफडी कराते हो तो यू डिपॉजिट मनी ओनली वंस ठीक है और आपको दो साल तीन साल चार साल पाँच साल बाद जो पैसा मिलता है वो क्या है वो उसकी फ्यूचर वैल्यू है ठीक है आप उसमें बार बार पैसा डिपॉजिट नहीं करते डिपॉजिट मनी ओनली वंस सिंगल तो सिंगल सम का मतलब होता है कि मनी इज डिपॉजिटेड ओनली वंस एक ही बार आपने पैसे को क्या किया है डिपॉजिट किया है आप बार बार पैसे को डिपॉजिट नहीं कर रहे देर इज ओनली वन फ्लो ऑफ मनी वन सिंगल फ्लो ऑफ मनी जो आज हो रहा है ठीक है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ठीक है यू आर डिपॉजिटिंग मनी टूडे अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ मनी अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ सम विच यू आर डिपॉजिटिंग टूडे आप इसको डिपॉजिट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी फ्यूचर में उसी को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम दिस इज द सिंगल सम ये वो सिंगल सम है जिसकी फ्यूचर वैल्यू हमको निकालनी है राइट सिंगल सम ऑफ मनी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको देख के पहचानना है अगर उन्होंने बोला है कि एक सीरीज ऑफ पेमेंट है बार, बार 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 पेमेंट कर रहे हैं तो वो एन है एन में एक सीरीज ऑफ पेमेंट चलता है पर अगर बोला है कि अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड टुडे तो एक ही बार डिपॉजिट हुआ तो वो सिंगल सम है डिजिटेड ओनली वंस इट इज अंगल समाउंट इज डिपॉजिटेड कंटिन्यूसली ठीक है एट अ रेगुलर इंटरवेल तो वो क्या है वो एन्यूटी है सिंगल सम अब सिंगल सम की अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकालें तो कैसे निकलती है इस तरह से निकलती है ठीक है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू विच इज गिवन प्लस फ्यूचर सॉरी प्लस नहीं इन टू इन टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर परसेंट एन ईयर्स ठीक है ठीक है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर परसेंट एन ईयर्स चेतना दिस लेक्चर वुड बी हेल्पफुल फॉर ओल्ड सिलेबस एज वेल जो बीच बीच में कॉमन टॉपिक्स हैं बस ये रहेगा क्योंकि हम वो, वो आ, एम सी क्यू बेस्ड और ये सब्जेक्टिव तो इसमें हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे प्रेजेंटेशन पे भी जाएंगे ठीक है बट जो कॉमन टॉपिक्स है वो तो कॉमन टॉपिक्स है ठीक कंसेप्ट तो वही है जो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा ओल्ड सिलेबस पर नाउ व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट होता है वन प्लस आर टू द पावर एन फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या बताता है इफ इन्वेस्टेड वन रुपी अगर एक रुपया इन्वेस्ट करोगे तो इतने टाइम बाद एन इयर्स बाद आर परसेंट पे उस एक रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो अगर एक रुपये की वैल्यू एन इयर्स आफ्टर एन इयर्स आर परसेंट रेट पे अगर एक रुपए की वैल्यू इतनी हो जाएगी तो ये जितना भी हमने पैसा जमा किया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ठीक है क्लियर सपोज़ एक क्वेश्चन लो मान लो आप पच्चीस हजार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो ठीक है आर डिपॉजिटिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कितने समय के लिए आप डिपॉजिट कर रहे पच्चीस हजार सपोज पाँच साल के लिए फाइव इयर्स कितना परसेंट रिटर्न कमा रहे हो आप रेट कितना कमा रहे हो दस परसेंट कर देते हैं दस परसेंट कमा रहे हैं सर ठीक है अब इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया वॉट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज़ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिपॉजिटेड फॉर फाइव ईयर्स एट द रेट टेन परसेंट ठीक है तो इसकी फ्यूचर वैल्यू अब हमको थोड़ा प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है कैसे आप लिखना फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर परसेंट आर मतलब टेन परसेंट है और फाइव ईयर्स एंड मतलब कितना है फाइव ईयर्स ठीक है साहब तो दस परसेंट पांच साल दस परसेंट पांच साल का क्या आया आंसर चालीस हजार दो सौ बासठ तो पहले तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालेंगे ये दिखेंगे यहाँ पे पच्चीस हजार इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना है तो वो हो जाएगा वन पॉइंट वन जीरो टू द पावर फाइव ठीक है अपना जो शाही कैलकुलेटर है उसमें कैसे निकालेंगे वन पॉइंट वन जीरो इंटू चार बार इक्वल टू दबाएंगे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू क्योंकि पावर में फाइव है तो इंटू दबाने के बाद इक्वल टू कितनी बार दबाएंगे चार बार एक बार इंटू दबाएंगे उससे एक बार कम इक्वल टू दबाएंगे तो कितना आ जाएगा ये चालीस हजार दो सौ बासठ एग्जाम सही है पच्चीस हजार को मल्टीप्लाई करके निकाल दो वन पॉइंट वन जीरो टू द पावर फाइव कितना आ रहा है वन पॉइंट सिक्स वन ज़ीरो फाइव वन ठीक है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा फोर जीरो टू सिक्स टू पॉइंट फोर ज़ीरो टू सिक्स टू भी आएगा शंकर उसके बाद पॉइंट सेवन फाइव आएगा ये हो गया अपना फ्यूचर वैल्यू ठीक है क्लियर आसान सिंपल इजी पीजी ठीक देखो आसानी तो है फैम क्या है ऐसे ही क्वेश्चन हैं ठीक है ऐसे ही आ जाना चाहिए सर यही वाला आ जाना चाहिए ठीक है बोलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो 40262.75 ये सबका आ गया बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम तो प्रेजेंट वैल्यू इन टू वन प्लस आर टू द पावर हंड्रेड अब ये जो हमने कंपाउंडिंग की समझो भाई साहब ये जो पच्चीस हजार है ये जो पच्चीस हजार है इस पच्चीस हजार की हमने क्या की कंपाउंडिंग किस रेट से दस परसेंट से कितने साल के लिए पांच साल के लिए तो दस परसेंट साल के लिए कंपाउंडिंग की हमने इसकी इस कंपाउंडिंग को हम बोलते हैं एनुअल कंपाउंडिंग कौन सी कंपाउंडिंग एनुअल कंपाउंडिंग क्यों बोलते हैं इसको एनुअल कंपाउंडिंग ईयर के हिसाब से कंपाउंडिंग हो रही है क्यों कंपाउंडिंग मतलब क्या कंपाउंडिंग मतलब साल में कितनी बार आप ब्याज कैलकुलेट कर रहे हो ठीक है साल में कितनी बार आप ब्याज कैलकुलेट कर रहे हो दस परसेंट का ब्याज साल में कितनी बार दे रहे हैं एक ही बार दे रहे हैं ब्याज दस परसेंट है वो okay, कितनी बार दे रहे हैं एक बार तो जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो कितनी बार होगा वो केवल एक बार होगा ठीक so, है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन साल वाल में केवल एक बार होगा ठीक तो इसलिए वो एनुअल कंपाउंड पर अगर कंपनी बोल दे कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन साल में भाई साहब दो बार करेंगे दस परसेंट एनअल इंटरेस्ट है पर साल में दो बार देंगे अगर दस परसेंट एनुअल इंटरेस्ट है साल में दो बार देंगे तो क्या दो बार दस दस परसेंट देंगे क्या नहीं दो बार देंगे लेकिन पाँच पाँच परसेंट देंगे और अगर पाँच पाँच परसेंट करके दस परसेंट देंगे तो पहला पाँच परसेंट कब देंगे वन पॉइंट वन जीरो ऐसे आया क्योंकि आपका दस परसेंट रेट था दस परसेंट इसको डेसिमल में लिखेंगे दस परसेंट को तो ये पॉइंट वन ज़ीरो है ठीक है तो हमारा फार्मूला होता है डेसिमल में लिखना पड़ता है रेट को तो दस परसेंट को डेसिमल में लिखेंगे तो पॉइंट वन जीरो है अब ये है फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का वन प्लस आर टू द पावर एन तो ये हो जाएगा वन पॉइंट वन जीरो वन प्लस पॉइंट वन जीरो करेंगे तो वन पॉइंट वन ज़ीरो हो जाएगा टू द पावर फाइव ऐसे आएगा ठीक है, यस तो, तो पांच पांच परसेंट देंगे तो कितने टाइम में देंगे छह महीने में देंगे है ना छह महीने में पांच परसेंट अगले छह महीने में पांच परसेंट इसको बोलते हैं नॉन एनुअल कंपाउंडिंग क्या बोलते हैं नॉन एनुअल कंपाउंडिंग कोई फर्क पड़ता है नॉन एनुअल कंपाउंडिंग और एनुअल कंपाउंडिंग में क्या फर्क पड़ता है हाँ नॉन अच्छा कौन सी अच्छी होती है पाँच परसेंट हर छः महीने में, में देंगे बिल्कुल हर सी कौन सी अच्छी होती है एनुअल कंपाउंडिंग अच्छी होती है कि नॉन एनुअल कंपाउंडिंग अच्छी होती है डिपेंड करता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देने वाले के लिए तो भारी पड़ेगा ना लेने वाले के लिए अच्छा है है ना तो नॉन एनुअल कंपाउंडिंग किसके लिए अच्छी है लेने वाले के लिए क्योंकि नॉन एनुअल कंपाउंडिंग में ब्याज ज़्यादा मिलता है नॉन एनुअल कंपाउंडिंग में फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा मिलेगी आपने वो देखा है कि नहीं किराारा अडवाणी की एड कौन सी बैंक की अब आप बोलोगे सर कियारा आडवाणी को तो देखा है ऐड नहीं देखी कौन सी एड है वो कोई सी बैंक की है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उसमें बोलता है कि मेरी बैंक तो मुझे हर महीने ब्याज देती है अब हर महीने ब्याज दो या तीन महीने में एक बार ब्याज दो ब्याज तो उतना मिलेगा ना क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग होती है ना ब्याज पे भी ब्याज हर महीने ब्याज कैलकुलेट करेंगे सेविंग अकाउंट में तो आपके सेविंग अकाउंट में जितना पैसा है हर महीने की इकत्तीस तारीख को ब्याज कैलकुलेट करके जोड़ दिया जाएगा तो अगले महीने के बैलेंस में जुड़ जाएगा तो अगले महीने उस पर भी ब्याज मिलेगा कंपाउंडिंग राइट right? ठीक है तो नॉन एनुअल कंपाउंडिंग बहुत अच्छा अगर कंपाउंडिंग ये जो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग होती है एक साल में कितनी कंपाउंडिंग होगी इसको डिनोट किया जाता है एम से किससे डिनोट किया जाता है एम से ठीक है अगर साल में एनुअल कंपाउंडिंग है मतलब एक ही बार कंपाउंडिंग करो तो एम की वैल्यू कितनी होगी वन एम बताता है हाउ मेनी टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन इन अ ईयर एम बताता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर ठीक है तो साल में कंपाउंडिंग कितनी है एक तो एम की वैल्यू कितनी एक अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी दो अगर फोर मंथली कंपाउंडिंग है तो साल में कितनी बार तीन बार तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी चार मंथली है तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बारह वीकली है तो फिफ्टी टू डेली है तो थ्री सिक्सटी फाइव और कंटिन्यूस है तो इनफाइनाइट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का कंसेप्ट हमको नहीं है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इस कैलकुलेटर पर हो भी नहीं पाएगी बट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का कंसेप्ट फाइनेंस में खूब चलता है पर अपने को नहीं है ठीक है अपने को इतना डेप्थ में फाइनेंस नहीं है बट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फंडा ही होता है कि हर सेकंड में कंपाउंडिंग हो रही है एवरी सेकंड कंपाउंडिंग राइट पर वो एवरी सेकंड कंपाउंडिंग भी हमको नहीं करनी है अब सर ये एम क्या है ये कैसे कैलकुलेट होता है नॉन एनुअल कंपाउंडिंग में क्या होता है ये फॉर्मूला कैसा है इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो हम पढ़ेंगे कब हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे ठीक है ये सारे क्वेश्चन हैं ये सब करने के बाद नॉन एनवल कंपाउंडिंग करने के बाद इफेक्टिव रेट और ये सब करने के बाद हम इन क्वेश्चन पर जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के हैं ये सारे क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करेंगे फिर हम एनयू पे चलेंगे ठीक है तो कल मिलेंगे सुबह सवा आठ बजे राइट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर लेके आओगे चलो सब ठीक है शंकर हर्षिता कल सुबह मिलते हैं सवा आठ बजे आज के सभा हम यहीं समाप्त करते हैं नॉन एनुअल कंपाउंडिंग से हम कल पढ़ना चालू करेंगे ठीक है चलो आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट कोई समस्या एनी थिंग डेट यू वॉन्ट टू चलिए तो थैंक यू सो मच टाटा बाय बाय मिलते हैं कब कल यस वी हैव वन आवर क्लास सवा से सवा नौ ठीक है यू हैव अदर क्लासेस अप टू फॉर टुडे आफ्टर नाइन फिफ्टीन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच